सर, जो पहली सरकार जब आम आदमी पार्टी की चुन के आई थी, जनता ने इस विश्वास से वोट दिया था कि केजरीवाल साहब हमारे लिए काम करेंगे। अब ये लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन किया गया, इससे आने वाले चुनाव पे जनता के मन में क्या विचार रहेगा? क्या उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? लोकसभा के चुनाव के इशू अलग होते हैं और विधानसभा के अलग होते हैं। नहीं, इशू की बात नहीं कर रहा सर। हाँ। जैसे गठबंधन किया गया, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव होता है देश हित में। आपके जो इलेक्शन लड़ा गया, गठबंधन हुआ, पूरे देश में गठबंधन हुआ। ये गठबंधन हुआ तानाशाही के खिलाफ। जिस तरह से तानाशाही से सबकी आवाज़ों को बंद किया जा रहा था, जो भी कोई आवाज़ उठाता था उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, उस तानाशाही के खिलाफ, उस महंगाई के खिलाफ, उस बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ, मणिपुर में हुए दुराचार के खिलाफ, ये पूरा विपक्ष एक हुआ और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इसका रथ रुका। आज ये 240 में रुके हैं। ये हमारा मकसद ये था कि इनको सेंटर में रोकना है, सेंटर में रोक दिया है। केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा के मुद्दे होते हैं पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, ये बस यात्रा। आज पूरे देश में जो व्यवस्था दिल्ली में है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। आप उठा के देख लो, दिल्ली में जो सुविधाएं हैं ना यूपी में है, ना हरियाणा में है, ना आपका बिहार में है, ना राजस्थान में है, पूरे देश में कहीं नहीं है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम किया है और जनता प्यार करती है। तो आने वाले इलेक्शंस में हमें जितना वोट आपके मिला है, आपके लगता है 70-70 आएंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले तो आप सभी का स्वागत है पत्रकार बंधुओं में। आज काफी समय बाद मुलाकात हो रही है तो मोतीनगर विधानसभा निरंतर विकास के कदम पर प्रगति पर है। आप कहीं भी आगे देखेंगे पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास के प्रभाव चल रहे हैं। अभी एक सबसे बड़ा पुल हमारे क्षेत्र में उसका एक पोर्शन बन भी चुका है, पंजाबी बाग से लेकर राजा रानी चौक एक पोर्शन खुला था। अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उसका विधिवत उद्घाटन किया गया और आगे जो पुल कनेक्ट हो रहा है पंजाबी बाग क्लब होते हुए राजा रानी चौक, वो लगभग कार्य अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा और इसी के साथ में 2 नीचे सब वे बन रहे हैं। एक सर्वे बन रहा है ईस्ट पंजाबी बाग पर जो बैस को क्रैक करेगा और एक बन रहा है सुदर्शन पार्क पुल से पंजाबी बाग क्लब, ये अंडर जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए बड़ा, क्योंकि जब सड़क पार करनी पड़ती थी तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 2 अंडरपास का निर्माण भी चल रहा है। अभी आप देखेंगे आचार्य विश्व के सामने एक हमारा फुट ओवर ब्रिज है, उसके ऊपर लिफ्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये लिफ्ट का निर्माण कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अब आचार्य विश्व हॉस्पिटल जो निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है, 2015 में ये 100 बेड का था, इसको बढ़ाकर 180 बेड तक किया गया और अब 272 बेड की बिल्डिंग बन चुकी है। उसमें मैन पावर आ रही है तो बहुत जल्द जनता के लिए खुल जाएगा। 452 बेड का अगर हॉस्पिटल बनेगा तो जब पेशेंट करमपुरा से या न्यू मोतीनगर से या इस साइड से जाएंगे तो ये पुल उसके अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक फाइल मूव कर गई है
करमपुरा रेड लाइट से जखीरा गोल चक्कर तक एलिवेटेड फ्लाई ओवर का निर्माण की फाइल स्टार्ट हो गई है, जिससे इस रोड पर जितना भी ट्रैफिक थोड़ा स्लो चलता है वो एकदम फास्ट मोड में आ जाएगा। जितने भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, बैंकट्स हैं और कार शोरूम्स हैं, तमाम जो मार्केटें बनी हुई हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 11 स्कूल्स हैं सर्वोदय, उसकी बिल्डिंगें मैक्सिमम बन के तैयार हो चुकी हैं। हर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। मानसोर गार्डन को एजुकेशन स्कूल है, उसमें बिल्डिंग का कार्य प्रगति पे है, इस साल वो बन के पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी निरंतर कहने के कार्य सड़कों का निर्माण है, क्योंकि 25 साल से हमारे क्षेत्र के अंदर बीजेपी का ही कब्जा था एम सी डी के ऊपर। मानसोर गार्डन का स्कूल पूरी प्रगति में है और ये इस साल में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी आप सड़कें देखेंगे, पहले 25 साल से यहाँ पर बीजेपी शासित एंटिटी राज कर रहे थे और उन्होंने क्षेत्र को इतना बदतर कर दिया, जो भी सड़कें एमसीडी के अधीन आती थी ना तो उन्होंने बनाई और ना अपने विधायक को बनाने दी, कानून पास कर दिया गया सिविक सेंटर के अंदर कि विधायक को कोई भी काम करने से पहले निगम पार्षद से परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई निगम पार्षद क्यों परमिशन देगा, जो कौन चाहेगा कि बाद में आम आदमी पार्टी का विधायक काम करे, तो मुझे 8 साल तक काम करने नहीं दिया। दिल्ली की जनता ने देखा कि वायदे में दुखी कर रहे हैं तो उन्होंने तीनों निगम पार्षद मुझे दे दिए। आज तीन निगम पार्षद हैं और तीनों आम आदमी पार्टी। उसके आने से जो बैरिकेड लगते थे काम करने के वो खत्म हो गए। आज 91 वार्ड की बात करते हैं तो 17 सड़कें मेन सड़कें बन के तैयार हो चुकी हैं। एमसीडी आज 90 की बात करते हैं, 90 में लगभग मेन सड़कें तैयार हुई हैं 4 और जो गलियां वगैरह लगेंगे तो वो भी 15-20 गलियां बन चुकी हैं। हम 89 की बात करते हैं, 89 के अंदर 2 मेन सड़क बन चुकी हैं न्यू मोतीनगर में और करीब 4 सड़कें बन चुकी हैं मधोर पार्क में। गलियों का निर्माण प्रगति पर है और आने वाले समय के अंदर सारी सड़कें बनेंगी, सारी गलियां बनेंगी, रेल व्यवस्था बेटर होगी, क्योंकि अब दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और मेरे क्षेत्र में भी तीनों कांसो होने की वजह से मुझे किसी भी तरह का अवरोध नहीं मिलता। और आपको एक जानकर खुशी होगी कि मुझे पूरी दिल्ली का नगर निगम को देखने का चार्ज दे दिया गया है। विधानसभा कमेटी के द्वारा 14 सदस्य कमेटी बनी थी, जो भी बैठक होगी सिविक सेंटर में, उस सिविक सेंटर में हमें वोटिंग का अधिकार है। जब स्टैंडिंग कमेटियां बनेगी उसके अंदर वोटिंग का अधिकार है। सबसे पहले सीटिंग हमारी बनेगी, मैं 2 सीटिंग कर चुका हूँ, फर्स्ट में बैठते हैं मेयर और कमिश्नर, उनके सामने बैठते हैं 14 विधायक, उसके पीछे बैठते हैं काउंसलर, तो 2 बैठक मैं कर चुका हूँ और तीसरी बैठक 27 जून को होने जा रही है 11 बजे। आप सभी आमंत्रित हैं, आप आना चाहें तो 27 तारीख को आप वहाँ पर आ सकते हैं, तो वहाँ भी इसी तरह से खुल के बात करेंगे। तो कोई भी समस्या आज एमसीडी की है,
दिल्ली सरकार की है, और जो केंद्र सरकार के अधीन आती है यदि वो सरकारें काम नहीं करेंगी तो अब जनता के बीच में हम उस बात को रखेंगे। और अभी दो ऐसी वारदातें हुई हैं हमारे यहाँ, कल परसों जखीरा राखी मार्केट के अंदर, चारा मंडी के अंदर सैकड़ों झुग्गियाँ तोड़ दी गई बगैर नोटिस के रेलवे लाइन के ऊपर, पूरी तरह से तानाशाही। आप नोटिस देंगे, आप बताएंगे कि आप क्यों तोड़ रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो सांसद जिसने हाथ जोड़कर वोट मांगे थे, इलेक्शन खत्म होते ही वो सैकड़ों झुग्गियाँ तोड़ दी गई, ये तानाशाही। वोट के समय कुछ और वोट के समय कुछ और, जीतने के बाद दायित्व बढ़ता है या तोड़ने का दायित्व बनता है। इसी कड़ी में पाँच दिन पहले मानसरोवर गार्डन रिहायशी एरिया, वहाँ पर कम से कम भी 15-20 बिल्डिंगें नई बनी हुई जो 40 साल से थी, उसको डीडीए ने तोड़ दिया गया, डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया। उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, पक्के कनेक्शन हैं, सारे काम अथराइज हैं, उसके बावजूद तोड़ दिया गया और बगैर नोटिस के। मेरा लाइव वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, कोई नोटिस नहीं दिया उसको, किसी तरह का प्रोग्राम नहीं दिया, पुलिस बुलाई, एक्शन कर दिया। तो ये तानाशाही करेंगे यार। तो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाही को उतर गई है, और ये तानाशाही आप चलेगी नहीं। आप बगैर नोटिस के तोड़ते हैं, झुग्गियाँ तोड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ तोड़ते हैं, मकान तोड़ते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आपके मायापुरी चौक से साथ में अटैच जो है मानसरोवर गार्डन, उसकी लाइव वीडियो मेरे पास है, आप मेरे फेसबुक पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही अब ज़्यादा समय चलेगी नहीं, और डेवलपमेंट के काम लगातार चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आप सड़कें उठा के देख लें मेन रोड की, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, सब अपडेट है। मोमेंट मॉल के सामने देख लें फुटपाथ, वेल अपडेट है। तो पहले की स्थितियाँ क्या थी, आज की स्थितियाँ क्या है, और यह परिवर्तन दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं है। आप उठा के देख लें हरियाणा, उठा के देख लें यूपी, उठा के देख लें बिहार, राजस्थान, हर जगह जनता परेशान है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य किए, उस कार्य की बदौलत आज दिल्ली के निवासी, आज दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। आज दिल्ली में महंगाई है 2.93%, और पूरे देश में महंगाई है लगभग 6%। और अभी कल कहा गया है कि मई के अंदर और जून के स्टार्ट में इतनी महंगाई बढ़ी है जो आज तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने 15 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने डाटा देखा होगा, News24 पे भी आया है, बकायदा मीडिया भी आया है, महंगाई की चरम सीमा में चल रही है। बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी सबसे नंबर वन चल रही है। तो ये तमाम जो इस समय तानाशाही चल रही है केंद्र की, ना तो रोजगार देंगे, बेरोजगार करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे, महंगाई बढ़ेंगे, जनता की कमर तोड़ेंगे। अब उनको हर बात का जवाब देना पड़ेगा, और जनता इसके लिए तैयार बैठी है। अभी 4 दिन पहले नीट के एग्ज़ाम हुए, उसमें बड़े बड़े तथ्य भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कोई सेटिंग नहीं हुई। कल बकायदा न्यूज़ भी आया है, बिहार में पटना में एक स्कूल के अंदर 25 बच्चों को बिठाया गया, उनको एग्ज़ाम से पहले पेपर दिखाया गया, उनको रुकवाया गया। ये पूरी तरह से आज बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, और 1.5 करोड़ नौकरियां सेंटर में आज खाली पदों पर रिक्त हैं। ये पूरी अब सेंटर को जवाब देना पड़ेगा।
और जनता इसके लिए तैयार है और उसको हर बात का जवाब दें। आपका भी प्रश्न दे दिया, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, पानी की समस्या को आप ले लें। 9.5 साल पहले केंद्र निधि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, जब मैं विधायक बना और मैं जनता के बीच में गया, मैं शुरू करता हूँ यहीं से, न्यू मोती नगर से जहाँ बैठे हैं, करमपुरा, मदन पार्क, मनोहर पार्क, मोती नगर, सुदर्शन पार्क, कीर्ति नगर, शारदापुरी, सरस्वती गार्डन, निरंकारी भवन, निरंकारी कॉलोनी, रमेश नगर, मानसोर गार्डन, ये मेन हमारे रिहायशी एरिए। यहाँ पर पीने को पानी नहीं था। यदि आप भी रहते हो तो आपको भी पता होगा 9.5 साल पहले क्या था, पानी नहीं था पीने के लिए। और यहाँ मेरे दफ्तर पर जत्थे के जत्थे आते थे, कभी करमपुरा से, न्यू मोती नगर से, सदस्य पार्क से, हर जगह से आते थे और एक ही बात कहते थे, पानी नहीं है, पानी नहीं है। 15 साल शासन किया कांग्रेस सरकार ने और 6 साल शासन किया भारतीय जनता पार्टी ने, 5 साल हमारे पहले मुख्यमंत्री मदन सिन्हा जी और 1 साल जब राष्ट्रपति शासन लगा था। 21 साल में ये पानी नहीं दे सके, और मैं जनता के बीच में गया, सभी से बातचीत हुई और 1 साल के अंदर पानी की व्यवस्था पूरी कर दी। आप पूछें किसी भी क्षेत्र में जाके आप कि आपको पहले क्या परेशानी थी और आज क्या है, घर घर में पानी पहुंचा दिया गया, व्यवस्था बेहतर की गई। दिल्ली की आबादी बढ़ गई है 40%, मेरे क्षेत्र की बढ़ गई है 40%। पहले यहाँ पर 1,51,000 वोट थे और आज वोट हैं 2,03,000। आबादी बढ़ गई, पहले यहाँ पर होती थी सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी, अब होती है 5 स्टोरी। पानी की खपत बढ़ गई, हरियाणा ने पानी कम कर दिया तब भी घर घर पानी पहुँचा दिया। ये व्यवस्था बनाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हमने जो भी बीच में कटिंग थी, जो भी इसके अंदर लूप होल्स थे, सब खत्म किए और पूरी व्यवस्था बेहतर थी। मोती नगर के अंदर पहले 30 ट्यूबवेल थे, आज 70 साल में 30 ट्यूबवेल और आज की डेट में 91 ट्यूबवेल है। तो जहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं बनी वहाँ हमने आर्टिफिशियल ट्यूबवेल लगवाए, तमाम व्यवस्था की गई, आज वेल सेट है। आप कहीं थोड़ा बहुत पानी की कमी अभी जो आ रही है, इसकी वजह से पानी की दिक्कत तो है, इसमें तो है नहीं है। जहाँ पानी की सप्लाई 2 टाइम होती थी अब 1 टाइम हो रही है, परेशानी 100% है। लेकिन आज भी मोती नगर की जनता समझ रही है कि ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। 20% पानी दिल्ली का रोक दिया गया, आज 4 मीटर पानी लेवल कम हो चुका है। 30 साल पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पानी अलॉट हुआ था 950 MDD, आज 800 से कम MDD पानी आ रहा है। तो 20% की पानी की कटौती कर दी गई। हिमाचल प्रदेश हमें पानी दे रहा था, उसको रोक दिया गया। हिमाचल ने कहा है आप हरियाणा सरकार से बात कर लें तभी मैं पानी दे पाऊंगा, क्योंकि पानी आएगा हरियाणा से। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? दिल्ली दिल वालों का शहर है और यहाँ पूरा देश आता है। आप देखें दिल्ली में कहीं पर हरियाणा बसता है, कहीं पर उत्तर प्रदेश बसता है, कहीं बिहार, कहीं राजस्थान, कहीं अरुणाचल प्रदेश, कहीं आंध्रा, पूरा देश है बसता है। अभी नया कैबिनेट बना, क्या उन सांसदों को पानी नहीं चाहिए? उन कैबिनेट को पानी नहीं चाहिए? जो केंद्रीय सचिवालय है उनको पानी नहीं चाहिए? जो केंद्र सरकार के ऑफिस दफ्तर है वहाँ पानी नहीं चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं भाई पानी हमारा जितना मिलता है उतना दे दो, हम कोई आपसे एक्स्ट्रा पानी थोड़ी मांग रहे हैं।
लेकिन ये पानी रोक कर रही है, तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इसको। और दिल्ली की जनता पहले भी हमारे साथ थी, आज भी है, वो प्यार करती है हमारे साथ और वो इस क्राइसिस को देख रही है। तो बहुत जल्द हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को जारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। तो बहुत जल्द इसका दीवार निकलेगा, हरियाणा को पानी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम उसकी उत्तर व्यवस्था में। स्टैंडिंग कमेटी पहले तो अभी मेयर का इलेक्शन है, क्योंकि पीछे मेयर का इलेक्शन रोक दिया गया। मेयर का इलेक्शन होगा, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन होगा, तो बहुत जल्द काम हो जाएगा। सर अभी क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का गठबंधन किया था और इंडिया अलायंस बनाई और साथ ही साथ चुनाव भी लड़ा, अभी वही कांग्रेस आपके खिलाफ मटका तोड़ प्रदर्शन कर रही है, इसमें आपका क्या विचार है? जो इलेक्शन लड़ा गया केंद्र सरकार का लोकसभा, वो इलेक्शन था तानाशाही के। आज कहीं ना कहीं सभी की आवाज़ बंद कर दी गई थी, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई थी, मीडिया भी अपने आप को बेबस समझ रहा था, आम जनता तक आवाज़ पहुंच नहीं रही थी, आम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा था। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ी, कोई प्रश्न करता था बेरोजगारी बढ़ी तो उसका समाधान नहीं दिया, उसको जेल में डाल दिया। महंगाई बढ़ी, उसका जवाब पूछा गया, समाधान नहीं दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। महिलाओं की रक्षा की बात की, हमारी पहलवान साथी जब वो जंतर मंत्र बैठी, समाधान नहीं दिया गया, जेल में डाला गया। महिलाओं की सुरक्षा की बात की, जब सुरक्षा की बात की, आपके जब कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर आपके विधायक महिलाओं के साथ में गुलाचार कर रहे हैं, उसको और दिखाई वो इलेक्शन तानाशाही तानाशाही में जीते हुए और देशों को नाम दिया है ये भारतीय जनता पार्टी। मधु भरा रहे थे जो उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन फिर भी भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को साथ के साथ आप इस कोटा में अच्छा हो गए। 14 क्या लड़े, 14 में लक्ष्मण लड़े, उसमें से विद्या दी, 19 का लक्ष्मण लड़े और आज जो लक्ष्मण लड़े उनका बहुत प्यार किया। हम पहले लाखों वोटों में आ रहे थे, लेकिन बहुत दिन की बात करते हैं, हम यहाँ नई बात करने जा रहे हैं। अब हमारे अच्छे परिवारों से सरकार जितना बोलिए नहीं किया, तो हमारी जीत है। हम जनता के बीच में गए हैं और मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री आए थे का प्रचार करने के लिए, और 10 दिन के प्रचार में हमारे सारे मिनिस्टर जेल में है, आप मिनिस्टर जेल में है, जो जिन्होंने उसको अच्छे किए मनी सुशोधन के जेल में है, जिन्होंने बोला की बनाए उसको अच्छे किए पंचायत के लिए है, वो तमाम मिनिस्टर जेल में है। जब भी गर्मी आती थी ना अखबार सब टैंकर माफिया मटका हो आपको पिछले 9 साल में रद्द नहीं दिल्ली में, ये पॉलिटिक्स हो गई है मंदिर रास्ती भारतीय जनता पार्टी अपना निर्माण में जाके उसके बाद बताए कि आपने क्या काम किया था जनता के लिए, जो आपने प्रदर्शन कर रहे हैं निर्माण कर रहे हैं, तो जनता सफलता रहती है और बहुत प्यार करती है उनको एकाम कर रहे हैं। Thank you.
बच्चों की फीस, ये वो सोसाइटी है जहाँ पर
तो आज दिल्ली में जो व्यवस्था है प्राइवेट बच्चों की फीस की, आज तो पूरी लगन पर ऑप्शन है। 1414 बच्चों को एडमिशन मिला है नीट के अंदर, इस साल 10 साल पहले एक बच्चे को एडमिशन देता था सरकारी बच्चे को, एक चश्मा होता था। 1414 बच्चों को एडमिशन मिला है नीट के अंदर। डेढ़ लाख एप्लीकेशन आई है कि हमें बच्चों को एडमिशन चाहिए सरकारी स्कूल में, एक्सीलेंस स्कूल में। अकेले सीट्स हैं मात्र 4600 सीट के नीचे डेढ़ लाख एप्लीकेशन। आज ऑप्शन है कि आप प्राइवेट में पढ़ाएं या गवर्नमेंट में पढ़ाएं। आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल के रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल के आते हैं। पिछले 8 साल का लोग 8 साल से गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट बेहतर है। और आज हर सिटीजन के पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट नहीं तो पहले सरकारी स्कूल। आपको बड़ा आश्चर्य होगा 1 लाख स्कूल बंद हुए पिछले साल सरकारी। आप चले जाओ गुजरात मोड़ में 1606 स्कूल गुजरात के सरकारी, और टीचर एक टीचर पेंशन छपा है, एबीपी में छपा है, आप चेक करो। यदि एक टीचर होगा गुजरात मोड़ में, आज डेढ़ करोड़ नौकरियाँ सेंटर आ रही है, स्टेट के आ रही है। अब ये सारा रिक्रूट सेंटर में भी चलता है, ये पीटर पीट का प्लान तभी चलता है कि इनके पास नौकरियाँ स्टैंडर्ड चलता है। ये बहुत बड़ा एक लोगों को इसलिए लगा दिया जा रहा है, इनको नौकरी से चलाया जा रहा है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइवेट सेक्टर बनाने की कोशिश कर रही है, सारे संस्थान गवर्नमेंट के थे बेचे गए, सारे संस्थान कहने के लिए जो भी प्लेयर थे वो दिए गए। कहने के लिए जो भी है कि इस तरह की तानाशाही हुई जिनका साथ ही रहता जनता ने जब 2040 वोट दिए गए, अब उसका हर एक का हर एक मिलेगा जनता जवाब देगी, लेकिन मतलब जवाब देना पड़ेगा और उनको जनता के बीच में आना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में 1% सारे काम होंगे और सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। अध्यक्ष है तो आपने क्या किया है? ये कारण ठीक होना चाहिए आपको।
आपने इसके ऊपर कोई डिजी डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्शन किया, आप अब जनता के एमपी हैं, जनता के लिए काम करेंगे। आपको एलिगेशन क्यों नहीं भेजा, आप जनता के लिए काम करें और ये बनाए हैं कि ये काम नहीं किया है और इस तरह से प्रॉब्लम था। आपको 15-20 साल से वहाँ के पेड़ के अध्यक्ष हैं, इतनी बात तारीफ न्यूज पड़ी है, इसको ठीक कराने के लिए कोशिश कौन करेगा? आपको जनता ने चुना है, आप जनता का काम कीजिए, इस तरह से कौन समझी है। अभी 45 हमारे 26 बन गए उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अभी हजारों नबियों को भेज दिए इसराइल को मरने के लिए कोर्ट में, उसको कोशिश कर रहे हैं। आपके कहीं भी लगता है कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे बताएं इसके मुद्दे क्या काम करेंगे। ये कई बड़ी बदली किया गया प्रॉब्लम किया, लेकिन आपको एक खुशखबरी बताए तो आपको, वो जो सड़क नीचे जाती है वो सड़क आपकी जो आपके ऑफिस तक ये सड़क अभी सीसी बनने जा रही है और ये मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगी और फिर हमें आप मिठाई के टोट नहीं लगे तो आपकी वो सीसी सड़क बनने जा रही है जो कच्ची है तो वो सड़क पूरी पक्की बन जाएगी और उसके बाद जो 13 नंबर छोड़ जाती है वो करीब 1.5-2 महीने बाद कौन बन गई।